कुछ सर, जैसे जो भी थॉट्स आते हैं इससे लेटेस्ट में, जो भी थॉट्स आते हैं कुछ गलत तो आते हैं, कि हो सकता है कुछ ऐसे भी आते हैं कि जो हमें आगे के लिए अवेयर भी करते हैं कुछ, कि भाई इस बारे में नहीं सोचा, इस बारे में सोचो, उसके बारे में कहे कि आगे कैसे होगा, तो वो कुछ चीजें सही भी होती है। तो सर जो हमारा जो थॉट पैटर्न है, जो हमारा थॉट्स है, उसको तो हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये बता दीजिए जो हमें थॉट्स आ रही है, जो थॉट्स आ रही हैं उनको, जैसे कई बार अनकॉन्शियस होता है, जैसे लेटते हैं या बैठते हैं, कोई थॉट्स जब आती हैं, भाई एक तो तब था कि जब हम अपनी थॉट्स को सर वो कर रहे थे, है ना, थॉट्स को अवेयर होके देख रहे थे, तब तो वो चीज तो गायब हुई, लेकिन आगे वहीं तक तो लाइफ नहीं रुकती ना, डेली थॉट्स तो प्रोसेस तो चलता रहता है। तो थॉट्स को, थॉट्स की अवेयरनेस, थोड़ा सा थॉट्स की अवेयरनेस के बारे में, और उसके लिए जो है नए नए चीजें कैसे इम्प्लीमेंट करते रहे अपने माइंड को, जैसे हर समय, क्योंकि समवेयर मैंने पढ़ा कि अपने माइंड को इतना बिजी रख दो कि उसे कुछ सोचने का मौका ही ना मिले दूसरी चीज का, नेगेटिव की तरफ वो जा ही ना पाए, तो वो कैसे पॉसिबल है सर? ठीक है, मैं आपको दो तीन चीज बताता हूँ। जी सर। ठीक है, देखिए, जैसे एक आप ये कह रहे हैं कि जब आप सोने जाते हैं तब आपको कुछ थॉट्स आते हैं, तो कैसे उसको, ठीक है, थॉट्स इमेज, ठीक है, दोनों एक ही बात है, कैसे उसको हम लोग डायरेक्ट करें, कंट्रोल करें, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है सर। ये मैंने आपको बहुत इनिशियल जब मैं आपसे बात हुई थी, मैंने कहा सर कि जब आप मेरी जो नींद जो बेटर हो जाएगी, देखो इंसोने में वैसे नहीं है, कोई ना कोई टैबलेट लेनी पड़ती है कि अपने आपको उस डोजी स्टेट में ले जाने के लिए, अगर थॉट्स उस समय कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए थॉट पे, क्योंकि उस समय क्या होता है कि थॉट पे थॉट चलने शुरू हो जाए, जब सबकॉन्शियस टेक ओवर करता है, जैसे हम बिल्कुल लेट गए, अब हमें पता है कि सबकॉन्शियस टेक ओवर करेगा, तो जब थॉट्स आते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, उस लेवल पे, क्योंकि उस समय कॉन्शियसनेस तो खत्म हो जाती है भाई, कॉन्शियसनेस तो खत्म हो जाती है ना, उस समय जो थॉट्स आता है, अगर वो थॉट्स की जो मोमेंटम है वो कम हो जाए, जिससे कि भाई मुझे सोना है, मैं सो के लेट गया, तो मुझे उल्टे सीधे ख्याल ना आए, उल्टे सीधे ये ना आए कि कहीं मर ना जाऊं, कहीं जी ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, जब इन थॉट्स से छुटकारा मिल जाए, तो मैं आराम से सो तो सकता हूँ कभी भी। दिन में मान लिया कि मैं कुछ वर्क करके आया, बाहर से आया, इधर से आया, तो मैं लेट गया एक आध घंटा, तो एकदम बड़ा अजीब सा हो जाता, जैसे कि पता नहीं कितना नर्वस हो गया, कितना बेकार सा हो गया, फिर मन नहीं रखता। तो ये चीज सर हो जाए, ये चीज रिमूव हो जाए बिल्कुल, जो है कि जो सोते समय जो है, जो कहीं भी जैसे बाहर भी जाएं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं वहां सो पाऊंगा नहीं आऊंगा, मुझे ये थॉट्स आएंगे। पहले तो इवन बीच में तो जब मैंने मेडिसिन ली थी, अभी लास्ट ईयर की बात है, अब जुलाई अगस्त की बात है, उस समय तो इतना तक डर रहता था कि थॉट्स आता तुझे रात को नींद ही नहीं आएगी, तुझे रात को नींद ही नहीं आएगी, तुझे रात को नींद ही नहीं आएगी, इतना डर लगता था कि मैं सो नहीं पाता था लेटते ही, फिर मेडिसिन देनी पड़ती थी। सर मेडिसिन कब तक ले पाऊंगा सर, कभी ना कभी तो इनसे गेट राइट तो करना ही है सर, अपने उसको बढ़ाना है। तो जो लेटते समय, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, एकदम कुछ ना कुछ थॉट्स या कुछ इमेजेस ऐसे आएंगी, कहीं लगे कहीं तू मर गया, कहीं ये हो गया, जी गया, इस तरह से, इन चीजों को सर एलिमिनेट कराइए, क्योंकि जिससे कि मैं एक सही से वो तो कर सकूं अपना सोने का जो जितना, क्योंकि अच्छी जो गहरी साउंड होगी, डीप साउंड होगी, तो स्लीप होगी, साउंड स्लीप होगी, तो सर उतने मॉर्निंग में अच्छा उठ पाएंगे ना, या मन कर रहा है कि उठ गए 4 बजे या 3 बजे आँख खुल गई, उसके बाद सर लेट नहीं पाता बिल्कुल भी। अगर मैं अभी सोया 10 बजे सोया, 11 बजे उठ गया, तो फिर उसके बाद बेचैनी शुरू हो जाती है, लेट नहीं पाता बिल्कुल भी, अब बताओ क्या करूं, फिर मेडिसिन लो। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए जी सर, दो तीन चीज बताता हूँ। एक तो जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी इन सभी चीजों को लेके, उतना आपका ये इशू रिजॉल्व होता जाएगा। एक तो ये है, यस सर, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कभी भी अगर हम लोग थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग उसके नंबर को घटाने के लिए प्रेशर डालेंगे, तो वो और बढ़ जाएगा। ओके, ओके। जैसे एक कहानी है, मतलब एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था गौतम बुद्ध से कि अपने थॉट को कैसे कंट्रोल करें, तो उन्होंने एक तरीका, एक उदाहरण एग्जांपल से समझाया था। उन्होंने बोला कि एक मिट्टी लिया, एक कटोरा लिया, उसमें पानी डाला, पानी में धूल डाल दिया, कुछ धूल मिट्टी डाल दिया। अब उस पर्सन को बोला कि तुम इस मिट्टी को जमीन में बैठाने की कोशिश करो, तो वो पर्सन हाथ से जितना भी मिट्टी को बैठाने की कोशिश करता था, उसमें धूल और वो हो जाता था, मतलब
तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हें काम करो छोड़ दो, तो जब कुछ मत करो, तो जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो अपने आप सारी जो मिट्टी थी, जो धूल था, वो नीचे बैठ गया। तो उन्होंने यही समझाया कि देखो अगर अपने थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो उससे और थॉट्स आएंगे, उसको छोड़ दोगे तो धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं। यस सर, यस। ठीक है, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है आप वो समझिए कि देखिए थॉट के बारे में आप एक बात समझो, पहला वो कि हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते, वो फ्लो होता रहता है, नंबर कम होगा ज्यादा होगा लेकिन वो चलता रहता है, वो एनर्जी है, वो मूव करती रहती है। यस सर। ठीक है, अब देखिए थॉट के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमारे माइंड में जो भी सोच चल रहा है वो बहुत पावरफुल है, और जो भी हम लोग के माइंड में जो भी सोच चल रहा है इसका मतलब हम लोग यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं, वो हमारी प्रेयर है, जो लोग बोलते हैं ना थॉट इज योर, थॉट इज योर प्रेयर, या थॉट बिकम थिंग्स, जो भी आपके माइंड में सोच चल रहा है अब वो मैनिफेस्ट होने वाला है। ये सबसे पहले इस बात को समझो आप, जो भी आपके माइंड में थॉट चल रहा है वो मैनिफेस्ट होने वाला है, भले टाइम लगे जितना भी, लेकिन वो मैनिफेस्ट होने, मतलब वो एक तरीके से वो मैनिफेस्ट होने की जर्नी पे है मतलब। तो ये जब इस बात को आप गहराई से समझोगे, आप मानोगे इस बात को, तो आपके माइंड में जैसे ही आप जैसे आप अवेयरनेस में देखोगे कि आपके माइंड में तो गलत सोच चल रहा है तो तुरंत वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आप अवेयर रहोगे, जैसे मान लीजिए अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि माइंड में जो थॉट चल रहा है वो मैनिफेस्ट होने वाला है, तो आप कॉन्शियसली आप अपने माइंड में गलत थॉट नहीं चलने दोगे, आप उसको बदलने की कोशिश करोगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं फिर से बताता हूँ आपको, जो भी हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग की सोच का हम लोग की लाइफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हम लोग जो भी सोचते हैं वो मैंने, हम लोग एक तरीके से यूनिवर्स को प्रेयर कर रहे हैं कि ये चीज हो जाए। ओके, ठीक है, तो मतलब हमें करना क्या है कि हमें कोशिश करना है कि हमारी जितनी भी थिंकिंग हो वो या तो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग हो या तो मैनिफेस्टेशन वाली हो। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का मतलब हम लोग कुछ सोच विचार कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। जैसे मान लीजिए आपके माइंड में चल रहा है कि जैसे वो वाला जो इशू है कैसे रिजॉल्व होगा, अच्छा इनसे बात कर लेंगे, और किससे बात कर सकते हैं, उनसे बात कर लेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव थिंकिंग। यस सर, यस सर, समझ गया मैं आपकी। तो जब भी आपके माइंड में थॉट चले तो आप देखो या तो वो कंस्ट्रक्टिव नेचर का हो या तो मैनिफेस्टेशन नेचर का हो। मैनिफेस्टेशन नेचर का मतलब ये होता है कि लोग जो भी माइंड न्यू रियलिटी में लिखते हैं, हम लोग कुछ थॉट बार बार दोहराते हैं जो हम लोग अपना बिलीफ इंड्यूस करना चाहते हैं। जैसे आपके केस में हो सकता है कि ऑल इज वेल, नाउ आई एम हैप्पी, एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, नाउ आई लव माई सेल्फ, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन थिंकिंग, मतलब वो थिंकिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो अपनी थॉट को आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो आप, कि जब मैं लेटने के लिए जाऊं तो मैं क्या करता हूं कि एकदम लेट जाता हूं और कोशिश करता हूं कि मुझे कोई थॉट ना आए, मैं ऐसे करता हूं। वो गलत सोच है, आप जितना सोचोगे थॉट ना आए वो फिर आप गलत, आपका अप्रोच ही गलत है वो। हाँ वही चीज तो है, मैं लेट जाता हूं कि मुझे बस एकदम जो है नींद आ जाए और जो है कोई थॉट ना आए, गलत थॉट ना आए, बस गलत थॉट ना आए। नहीं तो आप जितना सोचो गलत थॉट ना आए, इसका मतलब यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हो कि मुझे गलत थॉट आए, उतना ही आपको गलत थॉट आएगी। जितना ही आप ये सोचोगे ना कि आपको गलत थॉट ना आए, उतना ही आपको गलत थॉट आएगी फिर। तो सर इसके लिए ये भी तो एक रिकॉन्स हो सकता है, समाधान हो सकता है कि जब व्हेन आई गो टू बेड या व्हेन आई रिटायर टू स्लीप अगर हो रहा हूँ तो उस समय अपनी सोच को ऑटोमेटिकली मैं कंस्ट्रक्टिव या ये वाली कर दूं। एग्जैक्टली इसी के लिए देखिए हम लोग, मैंने आपको सक्सेस फाइल बताया था, दिखाया भी था ना कि सक्सेस फाइल क्या होता है, वो सब लोग इसीलिए बनाते हैं कि जब आप सोने जाओ तो भी आपके पास एक छोटी सी फाइल होनी चाहिए A4 की हाफ साइज की, जिसपे आपकी माई न्यू रियलिटी लिखी हो, ताकि आप वही पढ़ लो, ताकि आपके माइंड को एक इन्वायरमेंट मिल जाए कि मुझे ये सोचना है, मेरे ये मैनिफेस्टेशन थिंकिंग है, मुझे ये बिलीफ क्रिएट करना है। इसी के लिए लोग सक्सेस फाइल बनाते हैं। सक्सेस फाइल क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट वाली वो होता है, एक वो स्टिक फाइल लेना है ट्रांसपेरेंट कलर की, उसको काट के उस साइज का बनाना है ताकि A4 के हाफ साइज का पेज उसमें जा सके, और कुछ ऐसे पेजेस उसमें लिख के लगा देते हैं और सोने जब जाते हैं तो अगर वो पढ़ के तब सोते हैं। ये तरीका है, यानी कि जब हम उसको पढ़ के लेट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वही थॉट अपने आप चलने लगेंगे ना? वही थॉट अपने आप चलने लगेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। मतलब समझो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, आप ये बिल्कुल आप सोचो कि मैं सोने जाऊँ मुझे सोच ना आए, ये गलत सोच है, अब तो सोच आएगी।
अगर आप सोचो कि मुझे नेगेटिव थॉट ना आए, अब मतलब अब आपको नेगेटिव थॉट ही आएगी अब। हाँ, या मैं ये ना सोचू कि यार मैं लेट जाऊं, मुझे थॉट ना है, तो थॉट आता तो जरूर है, तो आएगा ही, वो गलत का सोच है ना। और वही आ रहा है जो 20 साल से पहले से आ रहा है, वही अब भी आ रहे हैं, उसी तरह के थॉट आ रहे हैं। क्योंकि आप पहले भी गलत अप्रोच से सोने आते थे, अभी भी आप गलत अप्रोच से सोने जा रहे हो, वो अप्रोच ही गलत है, इम्प्रैक्टिकल है बेसिकली वो। ओके 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 सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप सोने जाओ या जब यस भी सर। आपको सोचने का मौका मिले, अब आप सोचो कि आप पावर जोन में हो, आपको इस टाइम को यूज करना है, मतलब आपके माइंड में जो भी थॉट चल रहा है उसको आपको अपना अलाई बनाना है, अपना सर्वेंट बनाना है। कैसे? राइट थॉट चूज करके, या तो वो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग हो या तो मैनिफेस्टेशन वाली थिंकिंग हो, ओके सर, ओके 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 या फिर और इजी करना चाहते हो आप तो क्या कर सकते हो आपकी, ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे कोई ओशो की ऑडियो सुन लो, आप कोई भी लर्निंग ऑडियो सुन लो, आप ये सब तरीके हैं, मतलब ताकि आपके माइंड में कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग जाए बस। ये तरीका है, ये सॉल्यूशन है। इससे क्या है कि आपका डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर एक डर भी आ गया है कि मैं सोने जाऊंगा तो मुझे वो नेगेटिव इमेजेस आएंगी, वो थॉट आएगी। यस सर, यस सर, यही चीज है सर। तो ये जो आपका जो डर आ गया है, ये बिलीफ बन गया, इसको हम लोग को ब्रेक करने की जरूरत है। यस सर, यही चीज है, यही। हाँ, तो इसको ऐसी ब्रेक होगा, इसका यही तरीका है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन थिंकिंग, आप सक्सेस फाइल बनाओ, वो आपको हेल्प करेगा। और जब आप सोने जाओ तो आप खुशी के साथ जाओ कि नहीं ठीक है, या तो अपना कुछ रिचुअल बना लो कि आप पहले कुछ भजन सुन लो, कुछ गाने सुन लो, आप थॉट से भागो मत, आप बस नंबर ऑफ थॉट को रिड्यूस, जितना देखिए आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, जितना आपकी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती जाएगी, आपके नंबर ऑफ थॉट्स कम होते जाएंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। तो जो नंबर ऑफ थॉट्स कम होंगे तो वो हमें कंस्ट्रक्टिव या आपकी मैनिफेस्ट जो मैनिफेस्ट है वही वाले उसी जोन में ही रहेंगे हम लोग, उसके अलावा बाकी जोन तो बेकार है ना, आप समझिए, या तो कंस्ट्रक्टिव हो, या तो मैनिफेस्टेशन वाले हो, या तो लर्निंग वाले हो। लर्निंग का मतलब मान लीजिए आप कुछ यूट्यूब पे सुन ले, वो लर्निंग है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो इट मींस कि अब जैसे ही मैं जब भी सोने की कोशिश करूंगा तो मैं उस समय ये सोचता हूँ कि यार बस लेट जा तू और तेरे को कोई थॉट ना आए। ये अब मुझे क्या करना है? हाँ, ये इम्प्रैक्टिकल, गलत अप्रोच था। तो अब मुझे क्या करना है, लेटने के लिए पहले अपने आप को रिलैक्स कर लें। अब मैं समझ गया सर, अब समझ गया मैं कि या तो मैं अपने आप को लेटते समय रिलैक्स करके लेटूं, रिलैक्स करके लेटने के बाद फिर जो है सोचूं, तो एक क्योंकि अगर सही सोचेंगे तो सही सोचते सोचते नींद आ जाएगी। नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही है। आप देखो, सिंपल सी बात है, आप चूज करो, आप चूज करो कि मैं कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग भी कर सकता हूँ, या मैनिफेस्टेशन थिंकिंग भी कर सकता हूँ, या मैं कोई गाने सुन के सो सकता हूँ। आप ये जो ऑप्शंस है इनमें से कुछ भी चूज कर लो, आपको जो भी ठीक लगता है, आप कॉम्बिनेशन कर लो। आप समझ गया आपकी बात। जो प्रैक्टिकल जो रास्ता है वो ये है, जो पुराना अप्रोच था वो गलत था, उसको साइड करो, जो न्यू अप्रोच है उसको, और खुशी से आप जाओ कि ठीक है अब मैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें आपको पॉजिटिविटी देने वाली है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में भी हाँ अच्छा लगता है। हाँ जी, तो ये फियर ऑफ डेथ क्यों लगता है जब सोने के लिए जाता हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि यार कहीं कुछ हो जाएगा, मैं जैसे ही नींद तो आती है बहुत तेज, लेट गया फिर एकदम थॉट से आया, एकदम घबरा के फिर उठ गया, ये प्रॉब्लम होती है सर। दिन हो उसका रीजन ये है ना कि देखिए जैसे ये जो आपका जो वो रहा है पैटर्न है, ये ना काफी समय से रहा है, तो उसकी आदत पड़ गई आपके माइंड को। यस सर, इसलिए वो कर रहा है, मतलब क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक यही अपने ब्रेन में यही किया है आपने, तो ये रेपिटेटिव पैटर्न बन गया है, इसलिए वो हो रहा है, उसका और कोई बेस नहीं है। तो इसको यानी कि माइनोरिटीज भी मैं हो सकता है कि मैं सोते समय वही रिपीट करना शुरू कर दूं, वही रिपीट होती रहेंगी फिर वो। हाँ, उसको डायरेक्शन मिल जाएगा ना, देखिए आप अपने आपको एक देखिए पेपर पे लिखा रहेगा, दिख आपको सामने रहेगा, तो आपके माइंड के लिए इजी होता है, मतलब वो कि मुझे ये पढ़ना है, ये सोचना है। हाँ, मतलब ये भी तो हो सकता है कि जैसे मैं अब लेटने के लिए जाऊंगा तो मैं पहले से ही अपना कंस्ट्रक्टिव या मैनिफेस्टिंग थॉट में या अपनी न्यू रियलिटीज है इनमें एंगेज हो जाऊं, इसमें एंगेज होते ही अपना आप से नींद आनी शुरू हो जाएगी धीरे। हाँ, वो तो आएगी, नींद तो आनी ही आनी है, मतलब प्रॉब्लम नींद की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत थिंकिंग पैटर्न में चले जा रहे हो, गलत थॉट्स में जा रहे हो, प्रॉब्लम ये है, तो उसको बस हमें चेंज करना है, नींद तो आनी ही आनी है। कि नींद तो आती है, ऐसी बात नहीं, हाँ, बहुत तेज भी नींद आती है। हाँ, तो नींद तो आएगी आएगी, नींद प्रॉब्लम नींद नहीं है, प्रॉब्लम जो है कि आप जो अपने माइंड को जो गलत फूड दे रहे हो वहां पे राइट फूड देना है, फूड चेंज करना है बस। ओके ओके ओके, जो फीडिंग करनी है उसमें एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग जो है
राइट उसको थॉट देने, राइट वर्ड, अपने आप को एम्पावर एम्पावर करने वाली चीज देनी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि जैसा फूड आप रात में दोगे, जैसा थॉट आप रात में दोगे, सुबह वही वही थॉट आपके माइंड में, सुबह सुबह वही चीजें आपके माइंड में रहेंगी। तो आप रात भर एक गलत फूड देके सो रहे थे अपने माइंड को, अब तो आपको सही अपना फूड चेंज करना है, अनहेल्दी फूड जा रहा था अब हेल्दी फूड करना है बस। इसमें तो हम जैसे कि जैसे मंत्र वगैरह है उसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं, कोई मंत्र जैसे कि आपका ये आपके जो भी मंत्र आते हैं जैसे कोई भी जैसे, मंत्र भी हम मंत्र कर सकते हो आप, कर सकते हो आप जैसे ओम भूर भुवः स्वः तत्, ये जो आता है ये मंत्र आता है गायत्री मंत्र आता है, इसको कर सकते हैं आराम से। अगर आपको करके पॉजिटिविटी है तो आप कर सकते हो। नहीं पॉजिटिविटी तो आ जाती है उससे करते करते, लेकिन फिर ये लगता है यार करता रहा कभी नींद ना आए फिर मैं छोड़ देता हूँ। अब जबकि मेरा एक फ्रेंड ये बता रहा था कि वो मोहम्मदन था, उसने ये बताया था कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर नींद नहीं आती तो उसने मुझे जैसे कभी बात होती थी तो ये कहते थे कि हम तो जो है ऊपर वाले का जो है अल्लाह अल्लाह करना ही शुरू करते हैं जब तक करते रहते जब तक नींद ना आ जाए, ये नहीं पता चलता था उसे करते करते कब में नींद आ गई। और जबकि हम डरते हैं यार नींद नहीं है तो कल का दिन कैसे काम करूंगा, जैसे कल संडे है कल तो मुझे कहीं जाना नहीं है तो आज मैं यही करता हूँ चाहे मुझे एक घंटा दो घंटा तीन घंटा कभी ना कभी तो नींद आएगी, जब थकूंगा तो नींद आएगी आएगी। तो पहले अपना पॉजिटिव थिंकिंग, उसके बाद आपका ये आपकी मैनिफेस्टिंग वाली, फिर जो है कोई ना कोई जो है अपना गायत्री मंत्र करके ही सो जाऊं। हाँ नहीं ठीक है, मतलब हाँ मतलब देखिए आपको जो ज्यादा फायदा होगा जो मैनिफेस्टेशन वाली जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगी। देखिए जो गायत्री मंत्र है उससे आपको उतना फायदा नहीं होगा, मतलब क्योंकि देखिए आप वो जो संस्कृत का जो वो पढ़ रहे हो, एक तो उसका हिंदी अर्थ आपको नहीं पता है ठीक है, और हिंदी मतलब तो वो आप करने को कर सकते हो, लेकिन आपको जो ज्यादा फायदा होना है ये जो हम लोग की जो माई न्यू रियलिटी वाली थिंकिंग है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन में जो चेंज लाना है वो चेंज लाएगी, तो ये आपके वो ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि जो हमने आपने जो न्यू रियलिटीज लिखाई हैं वो उनको वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी, मतलब ये कि एक क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा माइंड, एग्जैक्टली आपका ब्रेन वर्क करेगा। मतलब आप जैसे मान लो आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो तो वो आपके माइंड के लिए एक साउंड है, मतलब ठीक है आपका माइंड उसको डिकोड नहीं कर रहा है वो, आप समझिए आपका ब्रेन हिंदी को हिंदी संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट करे ये सब काम ब्रेन नहीं करता है वो। उसको तो जो सिंपल आप सिंपल थॉट दो उस पे वर्क करेगा वो, उसको आपकी रियलिटी बना देगा, तो वो ज्यादा वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे मान लो आपको जो माई न्यू रियलिटी के स्टेटमेंट आप पढ़ के सो जाओ, या तो कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं जैसे ऑल इज वेल, नाउ आई एम हैप्पी, एवरीथिंग इज फॉलिंग एट इट्स प्लेस, नाउ आई लव माई सेल्फ, आपको पता तो है ना कि क्या आपकी विशेज हैं, तो आप ये इन थॉट्स को प्रैक्टिस करते करते सोगे वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो सर जो जैसे आपने बताया जो हमारे आपने जो स्टेटमेंट्स आपने लिखा था एम्पावरिंग जो बिलीफ वो सॉरी न्यू रियलिटीज दिखाई थी वो सेम होनी चाहिए ना डेली रिसेट करने के लिए, या अलग अलग भी हो सकती है? नहीं देखिए जैसे जो हम लोग का जो सक्सेस फाइल पे जो लिखेंगे वो तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे आप अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी करते रहो रैंडमली बोलने में तो कोई फर्क नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। मतलब जैसे कि हमने 8-10 हमारे स्टेटमेंट है हम इनको बोलने का था, हम कुछ और भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ कुछ भी जो भी आपको इम्पावर करे आप बोल सकते हो, क्योंकि सारा तो सपोर्टिव एक दूसरे से रिलेट कर रहा है ना। ओके हाँ वही चीज तो मैं पूछा क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि जो स्टेटमेंट हम डेली रिपीट करते रहेंगे सेम स्टेटमेंट वही जाके पेनिट्रेट करेगा सबकॉन्शियस को, वही ऑटोमोड पे आएगा। नहीं वो तो देखिए जैसे जो चीज लोग सक्सेस फाइल में लिखेंगे जो माय न्यू रियलिटीज है जो रिटेन चीजें हैं वो तो लगभग फिक्स ही हैं, हालांकि उसको हम लोग थोड़ा बहुत अपडेट भी करते रहते हैं तो वो तो फिक्स ही हैं जी सर। लेकिन जैसे मान लीजिए उसके अलावा भी अगर आप कुछ सिमिलर एक दो और कुछ करते हैं तो सारी तो सिमिलर नेचर के ना, फ्रिक्वेंसी तो सेम ही है सब चीज की। हाँ पॉजिटिव सब पॉजिटिव ही जा रहा है सब कुछ जो भी है, और वो भी नीडफुल ही है ना, क्योंकि कई बार सेंटेंस में तो हम लोग लिमिटेड ही लिख पाते हैं लेकिन वो भी तो नीडफुल है ना। जैसे मान लो आपका आपका ये स्टेटमेंट जाता है कि नाउ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, नाउ आई लव माई सेल्फ, तो ये सब भी तो आपका आपको जरूरत तो ही है ना इन सब बिलीफ की भी, तो सब एक दूसरे को एम्पावर करने वाले हैं। तो वो मंत्र से ज्यादा अच्छा आप ये प्रैक्टिस करो, बाकी वो तो जो टेक्निक मैंने आपको बताया था कि थैंकफुलनेस थैंक यू की प्रैक्टिस करना, तेरी मर्जी गॉड रिमेम्बरेंस, तो वो भी आप कर सकते हो, वो सोते समय भी कर सकते हैं। हाँ सोते समय भी कर सकते हो, सोते समय तो और मतलब थैंकफुलनेस तो मैं सुबह करता हूँ उठते जैसे आपने बताया था, और सर जैसे ही मैं वो रिसाइट करता हूँ वो जो स्टेटमेंट है मुझे क्योंकि वो थे सिंपल और वो थे याद हो गए थे तो उनको करने के बाद एक दो घंटे बाद ऐसा लगता है कि फिर सो जा नींद से आती, मतलब एक
जैसे वो उसमें शायद आपने नींद वाला दिया हुआ, जैसे कि नाउ आई टेक जो है ना वो वेरी जो है आपकी साउंड साउंड स्लीप वाला जो है ना स्लीप। उसको करता हूँ तो मुझे ड्रोजीनेस सी आने लगती है। अब ऐसा क्यों है? नहीं तो तो माइंड इसका में, मतलब नहीं जी वो कई बार वो ब्रेन में जाके वो चेंजेस करते हैं ना, तो इस वजह से, क्योंकि हम लोग जो थॉट्स ब्रेन को देते हैं, ब्रेन उसमें तुरंत वर्क करना शुरू कर देता है। तो जैसे आप बोल रहे हो दिन में भी आने लगती है, ये कह रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं तो अगर आपको दिन में भी आ रहा है तो आपको मतलब कहीं की हेल्प ही कर रहा है वो आपके लिए। अच्छा जितनी नींद बढ़ती है ना नींद में, देखिए जितनी भी इन थॉट्स के बाद नींद बढ़ती है तो उतना ब्रेन हम लोग का फास्ट इंजरी को प्रोसेस करता है, मतलब क्योंकि नींद में ही वो सारा काम करता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तो नींद में ही ज्यादातर होती है ना, तो हाँ स्लिप में इन होती है। चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद नींद बढ़ती है, तो वो नेचुरल है, उसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। ओके 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 तो ये जैसे सर, हाँ एक चीज और, जैसे हमने बोला कि जैसे कि आई एम परफेक्ट या आई ट्रस्ट माई सेल्फ, तो यही यही इम्प्लीमेंट होगा या इसका कोई और मीनिंग सबकॉन्शियस लेगा इसका? नहीं जो सिंपल सेंटेंस है उसका तो सिंपल ही मीनिंग लेगा ना। जैसे आप क्या स्टेटमेंट बोल, आप बोल रहे हो, फिर से आप बोलना। जैसे मैंने कहा कि जैसे नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव, हाँ मैंने ये बोला तो हाँ यही तो इसमें इम्प्लांट होगा, मतलब सबकॉन्शियस एग्जैक्टली उसको यही तो टेक ओवर करेगा, जैसे जो एज इट इज दिया हुआ है, हाँ, वो तो क्योंकि सब वैसे उस हाँ ऐसे ही करेगा, क्योंकि उसको सब चेंज क्यों करेगा। सब हाँ सबकॉन्शियस कोई थ्रिवल तो अपने आप करता नहीं कोई इसमें। हाँ वो क्यों करेगा, वो तो सिंपल सा जो भी आप स्टेटमेंट दोगे उसको तुरंत जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लेगा वो। जितना रेपिटेटिव करोगे उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको मैनिफेस्ट करेगा, उसके हिसाब से आपके ब्रेन को चेंज करेगा, फिर वो आपके ब्रेन हाँ के वही उसी हिसाब से वही रिवायर हाँ करेगा, वो हाँ आपकी वही तो मैं पर्सनैलिटी पूछ को रहा हूँ, रीडिजाइन करेगा, आपके ब्रेन को रीडिजाइन करेगा, जो हम लोग चाहते हैं अल्टीमेटली। जैसे कि मैंने बोला कि ना आई एम वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव, तो ये बाद में उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो जो है जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो मुझे हैप्पी और पॉजिटिव ही रहना रहेगा, मतलब उसके बाद कहने का हाँ मतलब ये हाँ है। वैसी पर्सनालिटी सिचुएशन को अट्रैक्ट करना वो हर लेवल पे वर्क करता है ना। कैसे सर? वो आपके ब्रेन को में भी चेंजेस करेगा, आपके पैटर्न्स को भी चेंज करेगा, आपकी लाइफ में सिचुएशंस को भी चेंज करेगा, हर एक लेवल पे वो वर्क करता है, यही तो इसकी पावर है। ओके ओके आपके ओके ब्रेन में वो केमिकल भी रिड्यूस करेगा, तुरंत वही केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो उस बात को, उस थॉट को वैलिडेट करे, हर ओके प्लेन पे हैप्पी वर्क कर रहा अगर है। हम हाँ ओके अगर हैप्पी हैप्पी उसको बोल रहे हैं तो हैप्पी के हैप्पी केमिकल्स ही रिलीज करना शुरू कर देगा शायद। हाँ उस थॉट को वो करेगा ना, वैलिडेट करेगा ना वो, हर हर लेवल पे वैलिडेट करेगा ना वो। ओके 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 तो अब समझ में आया ना सर। एक्चुअल मैं पहले ये पढ़ लेता था तो उसमें लिखा था कि पहले सबको जो जैसे जो सबलिमिनल मैसेज होते हैं कि 10-12 दिन तक तो वो क्लीनिंग करता है सबकॉन्शियस, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए मतलब अच्छा वो जो वो म्यूजिक्स हैं, हाँ वो क्लीनिंग तो करता है, हाँ ठीक बात है वो। तो ये जो हम अफर्मेशन बोल रहे हैं ये भी क्लीनिंग होती होंगी? देखिए जैसे मान लीजिए कि क्लीनिंग का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हम कोई अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं मतलब, तो वो ना फिर वो पैटर्न्स बनना शुरू हो जाता है, वो पैटर्न्स बनना शुरू हो जाता है मतलब। और जैसे जैसे कुछ ब्लॉक्स हैं, तो जैसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो पुराने ब्लॉक्स को ब्रेक करते हैं, तो ब्लॉक्स का ब्रेक होना उसको भी हम लोग क्लीनिंग बोलते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये भी क्लीन कर रहा है। हाँ हाँ तो थोड़ा सा जब वो ब्लॉक ब्लॉक को ब्रेक करता है तो उस समय डिस्कम्फर्ट सा आता है हाँ ठीक बॉडी है, के अंदर भी, हाँ तो वो क्या सही होता है गलत होता है सर? ये वो सब तो नेचुरल ही है ना, मतलब उसमें वो सब तो नेचुरल प्रोसेस है। जैसे अभी मैं एक दिन मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वो आता है आपका सेपियन मेडिटेशन का आता है, शायद आपने देखा हो शायद, तो उसमें जो था वो दिया हुआ था सबकॉन्शियस लिमिट नेगेटिविटी और ब्लॉक्स को दूर करने के लिए म्यूजिक है, वो बहुत एनर्जेटिक प्रोग्राम है सर। तो मैंने उसे सुना 3-4 दिन, तो 3-4 दिन बाद मुझे गुस्सा बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि क्योंकि वो नेगेटिविटी को हटा रहा था तो गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। नहीं ठीक और है, जब हैं जी हाँ ठीक, आप अपनी बात पूरी कर लो। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे उनसे प्रॉब्लम होती है तो वो 2-4 दिन ही होगी, बाकी तो नहीं होती होगी वो, क्योंकि क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हम ये कर रहे हैं इसके थ्रू भी हो रहा है, लेकिन वो और जल्दी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर देती है ना वो लोग वो चीजें। ठीक है ठीक है ठीक है।
नहीं तो अगर आपको जैसे कुछ फायदा हो रहा था आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं फायदा हो रहा था आप मत करो मतलब। नहीं फायदा तो मैंने लास्ट ईयर सुनी थी मैंने हिप्नोडेडी की थी, उसमें रिफ्रेम जो सबकॉन्शियस जो आपकी वो थी प्रोग्राम वो किया था उसने, लिमिटिंग बिलीफ को रिप्रोग्राम किया था, और उसमें एनएलपी टेक्निक यूज की हुई थी। एनएलपी टेक्निक में क्या था कि पहले जो इरेशनल और मालाडेप्टिव जो थॉट्स है उनको पहले वो करना, फिर उनको डिस्प्यूट करना और उनके लिए न्यू एम्पावरिंग बिलीफ करना। तो उसमें उसने जब मैंने सुना तो एक दो जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा वो एकदम दूर हो गई थी सर उससे। उसने उसको उसमें उसमें डाल दिया था क्या कहते हैं मतलब वो इस तरह से भूल भुलैया मतलब वर्ड था वो इंग्लिश का भूल गया, उसको भूल भुलैया में डाल दिया था, वो कभी तो याद आता है वरना याद नहीं आता वो। समझ गया ठीक है ठीक है। तो वो क्या चीज है सर मतलब जो दो तीन साउंड सेम होते हैं, मतलब दो तीन साउंड होते हैं अलग अलग उस तरीके से, जो अलग अलग स्टेटमेंट कुछ लोग कुछ फास्ट अलग अलग साउंड चलते रहते हैं, वही वाला वही बोलो ना। हाँ उसमें साउंड्स आते हैं, अफर्मेशंस आते हैं, हाँ अफर्मेशंस मिक्स रहते हैं एक साथ दो तीन चलते हैं, मतलब कुछ बैकग्राउंड में कुछ फ्रंट पे, समझ गया हाँ, कुछ राइट में कुछ लेफ्ट में इससे चलता है ना वो। तो वैसे मैंने उससे क्वेश्चन किया था, फिर मैंने उससे क्वेश्चन डाला तो उसने कहा था कि आप पर्सनल इशू को लेके आप ये कर रहे हो, जबकि जो ये जो सबनिमल जो अफर्मेशन होती है 100% पॉजिटिव होती है, ये किसी भी वे में आपको इम्पेक्ट नहीं करती। या तो वो इस वजह से हो रहा है कि वो 10-12 दिन मैंने पढ़ा था कि 10-12 दिन लेती है, एक या दो वीक लेती है क्लींजिंग करने में। ठीक है ठीक है भाई, आपकी स्किन को अगर मान लें कि ब्राइट बनाना है, मैंने देखा कि स्किन के लिए सुना तो पिंपल्स मतलब चेहरे पे पिंपल्स टाइप आ जाते हैं उससे, तो वो कहेगी जब तक ये उसको रेक्टिफाई नहीं करेगा ब्लड को तब तक उसको आपके चेहरे पे ग्लो कैसे लेके आएगा ये। तो जस्ट लाइक दैट मैंने देखा कि जो वो लिमिटिंग बिलीफ से पहले तो उनको निकालेगा ना, वो उनकी क्लींजिंग करेगा ना जो बिलीफ्स हैं, तब उनको न्यू एम्पावर करेगा। तो इसलिए वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो बिलीफ्स होते हैं ये हमारे फिजिकल लेवल पे काम करते हैं ना सर। ठीक है ठीक है। तो उन्हें सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है सर? जैसे नहीं नहीं दिक्कत नहीं है, वो तो पॉजिटिव पता देखिए, अगर आपके माइंड में कुछ भी जैसे एम्पावरिंग स्टेटमेंट जा रहे हैं तो उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होता है जैसे कोई कोई वैसी चीजें होती है, कुछ फियरफुल वर्ड अगर आपके माइंड में डाला जाए तो उसमें तो ये सब चीजों के चांसेस होते नहीं है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बैलेंस में करना चाहिए, दिक्कत क्यों होगा। वो तो आपके मतलब वो तो आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर रहा है ना, वो तो एम्पावरिंग थॉट्स आपको दे रहे हैं। हाँ एम्पावरिंग थॉट्स होते हैं उसमें, सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है सारा कि आपको इससे क्या क्या मिलेगा। एम्पावरिंग थॉट्स से कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो तो एम्पावर ही करेगा, वो तो हमें हेल्प ही करेगा वो।